स्टोन क्रैशर पर कर्मचारियों के साथ मारपीट कर आगजनी करने के 10 साल पुराने मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। झील चौकी इंचार्ज एएसआई खुशीराम ने बताया कि साल 2013 में अगावली गांव स्थित शिवालिक सिलिका क्रेशर परिसर में गांव अजनौली के कुछ ग्रामीणों ने घुसकर क्रेशर कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के साथ ही मशीनों में आग लगा दी थी। घटना को लेकर क्रेशर मैनेजर ने मामला दर्ज कराया था। मामले में सोमवार को गांव अजनौली निवासी 7 आरोपियों सुखदेव, महेश, बिंदु खान, इस्माइल मुबारक, शकील और इंसाफ को गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ कोर्ट ने स्थायी वारंट जारी किया हुआ था। वर्ष 2013 में अगावली पहाड़ पर एक लड़का खत्म हो गया था, जिसमें गांव अजनौली के आक्रोशित लोगों ने क्रेशर सिलका पर जाकर उसके मजदूरों के साथ में मारपीट की व मशीन के साथ तोड़ फोड़ आगजनी वगैरह की थी, जिसमें मुकदमा नंबर 602 नितिन गर्ग द्वारा दर्ज कराया गया था 2013 में, जिसमें 5 मुलजिम पूर्व गिरफ्तार किया जा चुके हैं तथा 7 मुलजिम आज बिंदु वगैरह गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा।